नमस्कार एक्सोटिक वेबिलिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ एवरी सैटरडे एस्ट्रोलॉजी सीरीज और हमारे साथ गुरुजी है किरण ठक्कर जी जिनको बाबा के नाम से जानते हैं गुरुजी आपका स्वागत करती हूँ और अभी तक हमने दस एपिसोड किए उसमें लाइव हमने जन्माक्षर की जो प्रिडिक्शन की यहाँ से गुरु ने जिन्होंने अपना डिटेल्स भेजा था उनको गुरु जी के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है काफ़ी लोगों को काफ़ी फायदे भी हुए हैं और अभी भी जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ रहे हैं जो अपनी डिटेल भेजना चाहते हैं वो ज़रूर हमें भेज सकते हैं आपका नाम आपका बर्थ डेट बर्थ प्लेस एंड बर्थ समय बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब जन्म का समय इम्पोर्टेंट है तभी हम आपकी जन्माक्स सर आपकी कुंडली सही तरह से गुरुजी देख सकेंगे और आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतें है आ, या तो घर में परेशानी है या तो अपनी जॉब में परेशानी है या तो अपने बिजनेस में परेशानी है कई लोगों को पेरेंट्स को ऐसा है कि हमारे बच्चे का भविष्य का क्या है कई लोग वो भी दिखाना चाहते हैं तो ये सब गुरु देखते हैं और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुरु जी एक भी पैसा नहीं लेते हैं वो सिर्फ आपको अच्छी तरह से मार्गदर्शन देते हैं कि ताकि आपका भविष्य कुछ बन जाए आपकी कारकिर्दी सही हो जाए यही उनका एक मोटो है और हमारे चैनल के द्वारा जब ये प्रोग्राम किया जाता है तब हमारा भी यही आशय होता है कि सब लोग परेशानी से मुक्त हो और अच्छा माहौल में अच्छे माहौल में सब लोग जिए आज की जो लाइफ है उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कतें परेशानियाँ हम देख रहे हैं तो उसमें से कई लोग बाहर आ जाए यही एक हमारा भी आशय है और एक वो भी बात थी कि हर एपिसोड में हम एस्ट्रोलॉजी सिखाते थे गुरुजी सिखाते थे मैं तो नहीं मैं तो सिर्फ गुरुजी को ऑर्डर करती थी कि गुरुजी आपको आज सिखाना है ये तो काफ़ी लोग हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी जुड़े हैं तो आज भी जो जुड़ना चाहता है जो पहले से जुड़े हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों ने तो काफ़ी कुछ सीखा है वो रिपीट सीखना चाहते हैं तो जरूर जुड़े लेकिन जो पीछे से जुड़े हैं हमारे साथ वो अभी आज इसीलिए जुड़े हमारे साथ क्योंकि अभी तक के दस एपिसोड में पाँच एपिसोड में हमने जो सिखाया है गुरु ने जो सिखाया है वो आज पूरा यहाँ से सिखाएंगे गुरुजी आज सिर्फ जो एपिसोड रहेगा वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सिखाने के लिए रहेगा तो गुरुजी सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ और अभी तक के जो हमारे एपिसोड रहे हमें जो रिस्पांस मिला है और लोगों को जो फ़ायदा हुआ है और काफ़ी लोगों ने आपको डायरेक्ट भी कॉल किए हैं डायरेक्ट भी आपसे सलाह ले रहे हैं तो पहले तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे उसके बाद तब तक जो हमारे दर्शक है वो नोट और पेड लेके बैठ जाए उनका इतना हम टाइम देते हैं उनको तो दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे पहले तो सबको जय गणेश और सबके लिए बहुत बहुत प्रार्थना आपको सिर्फ एक ही बात देखनी है कि आप अपने आप को कैसे बढ़िया बना सकते हैं कैसे समाज में मान सम्मान इज्जत पा सकते हैं स्पेशल इसके लिए ही हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आप कहाँ पे गलत हो रहे कहाँ पे आप निर्बल हो रहे हैं उसको बली बना के आपको समाज में मान सम्मान इज्जत जो मेहनत करते हैं वो मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता वो फल कैसे ज्यादा मिले उसके लिए हम काम कर रहे हैं और आप भी खुद भी ये चीज कर सकते हैं इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं हर वीक में आज तो पूरा का पूरा एपिसोड इसीलिए रखा है तो आप भी ध्यान से सुने सीखे थोड़ा और खुद का काम खुद करना सीखे जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी काफी कुछ आप खुद देख सकते हैं खुद को प्रिटिक कर सकते हैं कोई भी इंसान अगर गलत एस्ट्रोलॉजी से आपको भरमा रहा है तो उसमें आप बच सकते हैं तो यही एक मनसा के साथ आज एस्ट्रोलॉजी एपिसोड चालू कर रहे हैं जी गुरुजी और बात ये भी थी कि काफ़ी लोगों लोग हमें यह भी लोगों ने बताया कि काफी ऐसी भी बातें होती है कि क्योंकि जो कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वो कहीं भी अपनी सॉल्यूशन लेने चला जाता है पर अभी मैंने बोला कि आप यहाँ जाइए यहाँ जाइए यहाँ जाए, जाए तो ऐसे लोग चले जाते हैं फिर उनको पता चलता है कि हम गलत जगह पे चले गए हैं और गलत हमने सब कुछ कर लिया है तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक चैनल के द्वारा प्रोग्राम हो रहा है और चैनल के द्वारा जब गुरु जी आपको बता रहे हैं तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ गलत हो आपके साथ तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी चैनल के साथ जुड़ने के लिए ज़रूर फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए साथ में आइकन क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी हमारे एपिसोड रहेंगे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगे वो सब आप इसमें देख सकते हैं तो गुरु जी अभी शुरू करें पहले जो एस्ट्रोलॉजी हमने अभी तक की सिखाई थी उसमें शायद पहले हम ये लेते हैं कि राशि का जो प्रभाव है उसके बारे में हम बात करेंगे आज पहले तो वो आप सिखाइए मेरे ख्याल से सब लोग आ गए हैं नॉट और पेड़ लेके बैठ गए हैं अगर ये एपिसोड अगर आपने मिस कर दिया गुरुजी को लाइव अगर देखना मिस कर दिया तो आप फिर बाद में बताना नहीं लेकिन हमने पांच मिनट जल्दी एपिसोड स्टार्ट किया है आज तो आठ बजे सब जुड़ गए हमारे साथ तो अब शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी सिखाने के हम सबसे पहले कुंडली में बारह राशिया होती है नौ ग्रह होते हैं सत्ताइस नक्षत्र इसी पे हमारा पूरा एस्ट्रोलॉजी चलता है हमारे संसार में नौ ग्रह और सत्ताईस नक्षत्र पूरे संसार को घुमाता है और नंचाता है ठीक है तो कौन सी राशि का मालिक कौन सा ग्रह होता है वो हिसाब से पहले राशि को देख लेते हैं बारह राशियां मेष राशि वृषभ राशि मिथुन राशि कर्क राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि वृश्चिक राशि धन राशि कुंभ मकर राशि कुंभ राशि और मीन राशि ये बारह राशियां हैं ये बारह राशियों का मालिक है जिसको ग्रह बोलते हैं हम वो अलग अलग है जैसे सूर्य देव है वो सिंह राशि का मालिक होता है चंद्रा देव है वो कर्क राशि का मालिक होता है सूर्य और चंद्र को एक एक राशि का ही मालिक बनाया गया है और मंगल देव है वो दो राशि के मालिक यहाँ पे बनाए गए हैं। जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि के मालिक देव को बनाया गया है बुध है बुद्ध को भी दो राशि का मालिक बनाया गया है एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि ये दो राशि के मालिक बुद्ध देव को बनाया गया है गुरु है गुरु को भी दो राशि का मालिक बनाया गया है उनको धन राशि दी गई है और मीन राशि का मालिक बनाया गया है देव है देव को भी दो राशि का मालिक बनाया गया है उनको एक वृषभ राशि और तुला राशि का मालिक बनाया गया है और आएगा शनि शनि को भी दो राशि का मालिक बनाया गया है उनको एक मकर राशि और कुंभ राशि का मालिक बनाया गया है मतलब यहाँ पे सात ग्रह को मालिक बनाया गया है उसमें दो ग्रह है जिनको एक एक मालिक का ही अधिपत्य एक एक राशि का ही अधिपतित्व बनाया गया जैसे सूर्य और चंद्र को बाकी सबको दो दो राशि मिली है ठीक है अभी आप जो राशियां हैं वो शरीर में आपके शरीर में कहा अपना अधिपतित्व दे देते हैं वो राशि को देखिए जैसे मेष राशि है मेष राशि मस्तिष्क पे मस्तिष्क मतलब ऊपर का जो भाग है वहां पे आपको प्रभाव डालती है जैसे है, मुख पे, आपके मुख पे उसका प्रभाव रहता है मिथुन राशि आपके हाथ और आपके कंधों पर उसका प्रभाव रहेगा तीसरे चौथी आएगी कर्क राशि कर्क राशि आपके हृदय स्थान पे उनका प्रभाव रहता है फिर आएगी सिंह राशि सिंह राशि आपके पेट के भाग पे जो हृदय से नीचे का पेट का भाग वहां पे सिंह राशि का प्रभाव रहेगा फिर आएगी कन्या राशि कन्या राशि अपनी कैड जो जो बोलते हैं, कमर का भाग है वहां पे उसका प्रभाव रहेगा फिर आएगी तुला राशि तुला राशि नाभि से नीचे का भाग उस पर तुला राशि का प्रभाव रहेगा वृश्चिक राशि जो इंसान का आउटर भाग है जो लिंग बोलते हैं वहां पे उसका प्रभाव रहेगा और धनु राशि में दो उसमें दो से तीन लोगों का मत मतांतर है धनुरासी उरु भी बोलते हैं जैसे आउटर आउटर है है जो नीचे से पीछे का आउटर भाग है, वो भी बोलते हैं और जंगा भी उसको ले ले सकते हैं और आएगी मकर राशि मकर राशि अपने घुटने जो होते हैं ना उसको मकर राशि का अधिपतित्व बनाया गया है कुंभ राशि वो घुटने से नीचे का जो पिंडिया बोलते हैं वहां पे उनका अधिपतित्व है और आएगा मीन राशि जो पैर है पैर के नीचे के जो भाग है वहां पे आपकी मीन राशि का अधिपतित्व माना गया है ठीक है अभी राशियों में जो राशिया है उसको चर स्थिर और स्वभाव तीन भागों में बाटा गया है जो मेष राशि है वो चर राशि है वैसे ही वृषभ राशि है उसको स्थिर राशि में बिठाया गया है मिथुन राशि वो स्वभाव की होती है जिनका स्वभाव द्विस्वभाव रहता है और आएगी कर्क राशि कर्क राशि भी चर राशि है फिर आएगी सिंह राशि सिंह राशि स्थिर राशि बताई गई है और आएगी कन्या राशि कन्या राशि द्विस्वभाव की राशि बताई गई है तुला राशि चर राशि बताई गई है फिर आएगी वृश्चिक राशि वो स्थिर राशि बताई गई है वृश्चिक के बाद में आएगी धनु राशि उसको द्विस्वभाव में डाला गया है मकर राशि चर राशि में आएगी कुंभ राशि स्थिर राशि में आएगी और आएगी मीन राशि मीन राशि का स्वभाव रहेगा तो पहले हमने देखा राशि राशि का अधिपति ग्रह उसके बाद में राशि का हमारे शरीर पे जो प्रभाव रहता है वो स्थान हमने देखा और राशि का स्वभाव देखा कि राशि कैसे चर स्थिर स्वभाव की राशि कौन सी है वो देखा आगे चलते हैं राशि का स्वरूप क्या है राशि क्या प्रभाव है क्या राशि का स्वभाव क्या है वो आप देखो जैसे मेष राशि मेष राशि का सिंबल है घेटा जो एक सामने खड़ा आ, सामने खड़ा एक ज्वालामुखी फट रहा है और उसकी ज्वाला उसके आंखों में और वो घेटा आँख खोल के देख रहा है उसको मेष राशि का प्रभाव बताया गया है और दूसरा आएगा वृषभ राशि वृषभ राशि मतलब बैल बलद वो अगर रास्ते पे बैठ जावे तो कहीं से भी उसको हिलाना चाहे हिलेगा नहीं मतलब जक्की, एकदम जक्की स्वभाव वो उनका स्वभाव बताया गया है आएगी मिथुन राशि मिथुन राशि का मालिक है दो कपल है कपल साथ में बैठे है और मौज मस्ती वाले कपल है ये इनका स्वभाव बताया गया कर्क राशि कर्क राशि का स्वभाव किसी भी चीज में गहराई में जाके पकड़ना कर चला उनका सिंबल है तो कोई भी चीज में अंदर उतर के हर एक चीज को पकड़ के उसका काम करना ये इनका स्वभाव रहता है सिंह राशि मतलब लायन शेर सिंह जिसका स्वभाव है अग्रेसिवनेस अग्रेसिव है और हर एक काम में आगे बढ़ना ये इनका स्वभाव बताया गया है कन्या राशि कन्या राशि एक नाव में बैठी हुई एक स्त्री उसके एक हाथ में दिया है वो लेके बैठी है उनका स्वभाव द्विस्वभाव है वो जहां पे भी लाभ मिलेगा उस वक, उस और उसका झुकाव ज्यादा रहेगा तुला राशि तुला राशि न्याय की राशि बताई गई है जो कभी भी गलत नहीं होने देती और गलत करने नहीं देती ये इनका स्वभाव है और आएगी वृश्चिक राशि वृश्चिक मतलब जहरीला डंख वाला वृश्चिक जिसको आप अः वृक्ष जो आता है ना आठ बिच्छू बिच्छू उसको बिच्छू बोल सकते हैं जहरीला दंखेला, बिच्छू उनको बोल सकते हैं ये है इनकी पहचान है और वृश्चिक राशि जहरीला डंख वाली राशि है वो किसी को भी बख्शती नहीं है धनु राशि धनु राशि एक बाणा वाली की है वो अग्रेसिवनेस भी है लेकिन सार भी है भागेड़ो भी है मतलब एकदम स्ट्रांगली काम करने वाली है मकर राशि मकर राशि का मालिक मगर है जो पानी में रह के मकर से बैल नहीं बैर नहीं करते उनका स्वभाव ऐसा रहता है वो जब भी किसी के साथ में दुश्मन लेते तो बोलते नहीं है लेकिन समय आने पे उनको पकड़ के, उनको खलास करना ये इनकी ताकत है कुंभ राशि कुंभ राशि वालों के दिमाग में क्या चलता है वो कभी भी आप पकड़ नहीं सकते जो एक घड़ा है घड़े के अंदर जो रहस्य है कभी भी आप पकड़ नहीं सकते ये इनका स्वभाव रहेगा आएगी मीन राशि मीन राशि कब कहा पे अपना विचार बदल ले कहाँ पे पलट जावे ये इनका स्वभाव रहेगा वो एक स्थिर मन से कभी भी नहीं चलेंगे ये इनका स्वभाव है ठीक है अभी राशि का तत्व देखिए राशि का तत्व है चार तत्व की राशि होती है एक मेष राशि है मेष राशि का तत्व अग्नि तत्व है। दूसरी आएगी वृषभ राशि वृषभ राशि पृथ्वी तत्व पे जाती है तीसरी आएगी मिथुन राशि मिथुन राशि आएगी वायु तत्व पे जाएगी और कर्क राशि आएगी उसको जल तत्व का मालिक बनाया गया है फिर आएगी सिंह राशि सिंह राशि अग्नि तत्व पे जाएगी सिंह राशि के बाद में कन्या राशि आएगी कन्या राशि पृथ्वी तत्व पे आएगी कन्या के बाद में तुला राशि आएगी तुला राशि वायु तत्व की होती है उसके बाद में वृश्चिक राशि आएगी वो जल तत्व की राशि आएगी वापस आप देखे धनु राशि अग्नि तत्व पे जाएगी धनु के बाद में मकर राशि आएगी वो पृथ्वी तत्व पे जाएगी मकर के बाद में कुंभ राशि आएगी कुंभ राशि वायु तत्व में जाएगी और मीन राशि आपकी आएगी वो जल तत्व पे जाएगी मतलब हमने देखा राशि के तत्व राशि का स्वभाव के राशि कैसे रिएक्ट करती है वो देखा राशि शरीर में कौन से स्थान पे अपना आधिपतिक्व बताती है वो देखा और राशि चार दिस्वभाव कौन से स्वभाव की है वो हमने देखा अभी आगे चलिए अभी राशि में जो राशि है उसका चार वर्ण में हमारे शास्त्र ने दिया गया है जिसमें मेष राशि है उसको उसको क्षत्रिय बताया गया है वृषभ राशि को वैश्य बताया गया है मिथुन राशि को शूद्र बताया गया है और कर्क राशि को ब्राह्मीण राशि की उपाधि दी गई है वैसे ही सिंह राशि क्षत्रिय बताई गई है सिंह के बाद में कन्या राशि कन्या राशि को वैश्य बताया गया है कन्या के बाद में तुला राशि को शूद्र बताया गया है और उसके बाद में वृश्चिक राशि को ब्राह्मीण राशि बताई गई है धनु राशि को वापस उन्होंने क्षत्रिय राशि बताई गई है मकर राशि वैश्य राशि है और कुंभ राशि को शुद्ध राशि बताई गई है और आखिर में मीन राशि को वापस ब्राह्मी राशि का दर्जा दिया गया है तो गुरु जी, अभी हमने क्या सिखाया वो एक लाइन में हम बता सकते हैं कि अभी तक हमने इतना इतना दर्शकों को सिखाया है ताकि वो लोग नोट कर सके सिर्फ पॉइंट राशि का स्वरूप राशि का स्वभाव राशि का वर्ण मतलब राशि कौन से वर्ण से है भ्राह्मीण क्षत्रिय वैश्य कौन से वर्ण से दूसरा राशि का स्वभाव चार स्वभाव ये सिखाया गया है और राशि का तत्व कौन से तत्व की राशि है जैसे अग्नि पृथ्वी जल वायु ये तत्व होते जिस जिसपे कौन सी राशि का कौन सा तत्व पर अधिपतित्व है शरीर में राशि कहाँ पे एक्टिव होती है ये हमने सिखाया है तो ये खास जरूरी है कोई भी फल कथन करने के लिए हर एक राशि का महत्व इसके बाद में ग्रहों का भी ऐसा ही महत्व आने वाला है तो आप एक नोट कर लीजिए और उनको पूरा पकड़ के रखिए तो ये था राशियों का प्रभाव और राशियों के बारे में गुरुजी ने बताया और गुरुजी अभी हम चलेंगे कि बली राशि एंड राशि बली राशि ऐसा कुछ आप सिखाने वाले हैं तो उसके बारे में बताइए जैसे मतलब दिन को जो बलि होती है राशियाँ जैसे राशि का स्वभाव नहीं तो सब देख लिया लेकिन कोई बोलेगा भी कौन सी राशि कब किस वक्त अपने को रिजल्ट देगी और कौन सी राशि किस वक्त रिजल्ट देती है नहीं देती है ये आपको देखना है तो मनुष्य राशि होती है राशि में भी तीन भाग है मनुष्य राशि है चार भाग है मनुष्य राशि है जड़चर राशि है कीट राशि और पशु राशि चार तरह की राशि है तो उसमें मनुष्य राशि है जो दिन को बलि होती है समझे मनुष्य राशि जो है दिन को बलि कीट राशि जो होती है वो संध्या समय को बलि होती है और जलचर राशि को भी मनुष्य राशि के साथ में ही ले जाते हैं है। सुबह में ही वो बलि होती है और पशु राशि जो है वो संध्या समय के बाद में मतलब रात्रि को वो बलि होती है ये दिग्ग बोली जाती है रात्रि बलि बोली जाती है लेकिन कीट राशि एक ऐसी राशि है वृश्चिक राशि कीट राशि में ले जाएंगे वृश्चिक राशि जो है कीट राशि है वो संध्या समय को बलि होती है तो हमने ये जो सिखाया वो राशि जो होती है उसका बल क्या है वो हमने सिखाया मैं जो समझ रही हूँ वो सही है ना गुरु जी वो राशि कौन से वक्त पे अपना बल पकड़ती है जैसे समझ लो कि भाई कोई पशु राशि है तो उनको बल कब में लगा वो बड़वान कब होती है तो वो रात्रि को बलिबान होती है मनुष्य राशि होते वो दिन में बलि होती है मतलब कोई मनुष्य राशि का इंसान हो तो उसको दिल में बल मिलता है वो दिन में अच्छा काम कर सकता है जी जी अ तो ये था राशि का बल कुंडली में आपकी राशि का बल क्या है वो गुरु ने सिखाया अभी हम आगे चलते हैं तो गुरु जी सिखाएंगे राशि की दिशा राशि की दिशा क्या है यही है ना गुरु जी जी, जी। राशि चार दिशा में अपना अधिपतित्व लेते हैं एक मेष राशि है उसको पूर्व दिशा का अधिपतित्व बनाया गया है मेष के बाद में वृषभ राशि है वृषभ राशि को पश्चिम दिशा दिया गया है वृषभ के बाद में आएगा मिथुन राशि मिथुन राशि को उत्तर दिशा बताया गया है और आएगा कर्क राशि उसको दक्षिण दिशा में अधिपतित्व बनाया गया है कर्क के बाद में आएगा सिंह राशि सिंह राशि वापस पूर्व दिशा में अपना अधिपतित्व जमाते हैं सिंह के बाद में आएगा कन्या राशि कन्या राशि पश्चिम दिशा में अपना अधिपतित्व जमाते हैं कन्या के बाद में तुला राशि आएगी तुला राशि को वापस उत्तर दिशा में अधिपतित्व दिया गया है और वृश्चिक राशि को दक्षिण दिशा का अधिपतित्व दिया गया है उसके बाद में आएगा धनु राशि पूर्व दिशा में अपना अधिपतित्व जमाते हैं धनु के बाद में आएगा मकर राशि मकर राशि में पश्चिम दिशा का उसका अधिपतित्व दिया गया है मकर के बाद में आएगा कुंभ राशि कुंभ राशि को अपन पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा का अधिपतित्व दिया गया है और मीन राशि को दक्षिण दिशा में अधिपतित्व दिया गया है गुरु जी ने अभी तक सिखाया राशि का प्रभाव राशि राशि का बल भी सिखा दिया और राशि की दिशा भी सिखा दी दि। कौन सी दिशा में कौन सी राशि का प्रभाव प्रभाव रहता, रहता है वो सिखाया तो आ, मैं आ, एक बात और कहना चाहूँगी कि गुरु जी जो सिखा रहे हैं अगर आपको कोई उसमें प्रश्न दिख रहा है आपके माइंड में कुछ चल रहा है जो आप सीख रहे हो दर्शकों तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा तो जरूर हम उसके बारे में गुरु जी से बात करेंगे और आपको जो भी सीखना है वो जरूर सिखाएंगे तो आगे चलते हैं तो गुरु जी अभी राशि के ग्रहों के बारे में बात करेंगे जैसे राशि के बारे में पूरा बता दिया उसका अधिपति देव बता दिया कि कौन सा ग्रह उनका अधिपति देव है तो अभी जो राशि का ग्रह बताया गया है वो ग्रह कहां पे उच्च राशि में जाता है और कहाँ नीचे राशि में जाता है उसका अभी कोई पूछेगा उच्च राशि नीच राशि या स्वग्रही राशि क्या है तो उसका विवरण पहले दे देते हैं स्वग्रही मतलब आप अपने खुद के घर में बैठे हैं उसको आप स्वग्रही बताते हैं कि भाई आप अपने घर में बैठ के एकदम फ्रीली काम कर सकते हैं उसमें दूसरा आएगा मूल त्रिकोण राशि मूल त्रिकोण में मतलब आपके घर के अलावा आप जहां पे रहते हो वो सोसाइटी का कार्यभार आपको सौंपा गया है वहां का जो अधिपति बनाया गया है उसको मूल त्रिकोण आप बोल सकते हैं और उच्च राशि वो होती है उच्च राशि का प्रभाव उच्च राशि का बल वो होता है कि आपको पूरे सिटी का कलेक्टर बनाया गया पूरा सिटी का आपको चार्ज दिया गया है तो वो उच्च राशि का प्रभाव होता है जो ग्रह का होता है वो कुंडली में देता है वैसे ही नीच राशि तो नीच राशि का प्रभाव क्या होता है कि आपके ही घर में मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती है डाउन हो जाता है ये नीच राशि का प्रभाव बोला गया है ठीक है अभी उच्च राशि और नीच राशि में देखेंगे तो सूर्य है मेष राशि में उच्च का होता है और वो भी दस औश पे मेष में सूर्य दस औश पे उच्च का फल देता है और परम फल देता है वैसे ही सूर्य नीच में जो राशि में उच्च का होगा उसके सीधे सामने सातवीं राशि में वो नीच का हो जाएगा जैसे मेष में उच्च तो राशि में वो नीच राशि में जाएगा चंद्र वृषभ राशि में उच्च राशि में जाएगा और वो तीन अंश पे होगा तब एकदम परम उच्च उसका माना जाएगा उसका बल बहुत ही बढ़िया रहेगा तो वृषभ में उच्च का जाएगा तो नीच राशि उसके सामने सातवीं राशि की वृश्चिक राशि में वो नीच का रहेगा और तीन अंश पे रहेगा तब सबसे खराब फल वो देगा फिर आएगा मंगल मंगल मकर राशि में उच्च राशि में जाएगा और मकर के सामने जाएगा कर्क राशि में कर्क राशि में वो नीच राशि में जाएगा उसका अंश रहेगा अट्ठावी अंश अगर मंगल मकर राशि में अट्ठावी अंश पे रहेगा तो बहुत ही बढ़िया फल देता है मंगल के बाद में आएगा बुध बुध कन्या राशि में कन्या राशि में उसको बहुत ही पसंद है और वो उच्च है उसकी स्वगृही राशि भी कन्या बोली जाती है स्वग्रूही के साथ में उसको उच्च का फल वहां पे मिलता है वो पंद्रह औस पे रहेगा तब बहुत ही बढ़िया फल देगा कन्या के सामने जो मीन राशि होते उसमें वो नीचे राशि में जाएगा और नीचे राशि में बहुत ही खराब फल देगा पंद्रह औसपे गुरु आएगा गुरु कर्क कर राशि में उच्च में जाएगा कर्क में उच्च में जाएगा तो मकर में उसके सातवें स्थान में मकर में वो नीच में जाएगा ठीक है और शुक्र शुक्र मीन राशि में उच्च का जाएगा मीन राशि पसंद है जब मीन राशि में बुध नीच में जाता है लेकिन बुध रा शुक्र मीन राशि में उच्च राशि में जाता है और उसमें कन्या राशि में उसके सातवें स्थान में कन्या राशि में वो नीच में जाएगा उसका अंश रहेगा सत्तावीस अंश पे वो ऐसा फल देगा जो अपने परम उच्च अंश पे जाएगा फिर आएगा शनि शनि तुला राशि में उच्च में जाएगा जैसे सूर्य मेष में उच्च में जाता है तो शनि तुला राशि में उच्च में जाता है और वो बीस पर रहेगा तब बहुत ही बढ़िया फल देता है तो वही शनि मेष में जाएगा तो वहां पे नीचे राशि का कहा जाएगा और बीस अंश पे बहुत ही खराब फल देगा जैसे ऊंच नीच तो देख लिया लेकिन मूल त्रिकोण बाकी रहेगा तो सूर्य सिंह राशि में आएगा तब तो वो मूल त्रिकोण रहेगा उसका अंश रहेगा जीरो से बीस मतलब सूर्य को है ना। में तीन आँस तक वो उच्च का रहता है लेकिन तीन अंश के बाद में बीस अंश तक वो मूल त्रिकोण रहता है जो उच्च से थोड़ा कम लेकिन स्वगृह से थोड़ा ज्यादा वो फल अच्छा फल देता है तो चंद्र वृषभ राशि में तीन अंश से बीस अंश के बीच में बहुत ही बढ़िया फल देगा मंगल को मेष राशि बहुत पसंद है मेष राशि वैसे मंगल की दो राशि है एक मेष और एक वृश्चिक राशि लेकिन मेष राशि उसको बहुत ही पसंद है और जीरो से बारह अंश तक वो बहुत ही बढ़िया फल देता है क्योंकि वो मूल त्रिकोण में बैठता है जीरो से बारह अंश मत वैसे ही बुध बुध कन्या राशि में जैसे पंद्रह अंश तक वो कन्या राशि में उच्च का कहेगा जैसे बुध को वहां पे तीन स्थान मिलते हैं कन्या राशि उसकी खुद की राशि भी है कन्या राशि उच्च की भी होती है लेकिन पंद्रह अंश के बाद में और बीस अंश के बीच में वो मूल त्रिकोण में आता है तो बहुत ही बढ़िया फल देता है वैसे ही गुरु गुरु धनु राशि में बहुत ही बढ़िया फल देता है वो जीरो से दस अंश का रहता है उसको बहुत ही पसंद है जीरो से दस अंश में वो बहुत ही बढ़िया फल देता है धनु राशि में वैसे ही शुक्रदेव है शुक्रदेव तुला राशि उसको बहुत ही पसंद है तुला राशि में वो अपने मूल त्रिकोण में पूर्ण बलि होते हैं वो जीरो से पंद्रह उस पे एकदम बलि हो जाते हैं वैसे ही शनि शनि को कुंभ राशि बहुत पसंद है कुंभ राशि में वो जीरो से बीस अंश पे बहुत ही बढ़िया फल देते हैं ये उनका मूल त्रिकोण उच्च नीच का हो गया तो गुरु जी ने अभी तक जो सिखाया वो था उच्च और नीचे राशि में ग्रहों की बात की और आगे चलते हैं तो अभी हम सीखने वाले हैं ग्रहों में ग्रहों का प्रधान मंडल वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से क्योंकि काफ़ी कुछ उसमें आ जाता है और जो सीख रहे हैं उनको इससे काफ़ी कुछ ज्ञान मिलेगा क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी अभी सीख रहे हैं वो शायद शुरुआत है आपको लेकिन ये प्रधानमंडल अगर आप सीखेंगे तो आधा सीख लिया ऐसा मेरा मानना है ऐसा हो सकता है ना गुरु जी मैंने सीखा नहीं है पर थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ आपके साथ रह के मुझे आया है <laughs> तो ये बात कहेंगे और उसके बाद ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी हम बात करेंगे तो अभी गुरु जी ग्रहों के प्रधानमंडल के बारे में सिखाएंगे हमारे सात ग्रहों पे ही पूरा प्रधानमंडल निर्णय होता है जैसा सूर्य राजा है तो चंद्र उसकी रानी बताया गया है मंगल सेनापति बताते हैं जो राजा रानी के सेनापति है उनको सेनापति बताया गया है बुद्ध को उसका युवराज बनाया गया है और गुरु और शुक्र उनको मंत्री पद बनाया गया है गुरु शुक्र राजा के मंत्री है और शनि उसका सेवक बताया गया है सेवक मतलब शुद्ध सेवक जो होता है ना राजा का वो वैसे ही जो हर एक ग्रह है उसका भी जैसे हमने राशि में देखा कि शरीर पे अधिपतित्व है वैसे ही हर एक ग्रह का भी हमारे शरीर में एक अलग रोल रहता है जैसे सूर्य आत्मा का कारक है वैसे चंद्र मन का कारक है जैसे, का का जैसे सूर्य आत्मा का कारक है शरीर का कारक है शरीर अगर मजबूत सूर्य मजबूत है आपका तो आपका शरीर मजबूत है आपका विल पावर स्ट्रांग है चंद्र मन का कारक है ठीक है मंगल बल का कारक जो जीवन में ताकत देता है बल देता है काम करने की शक्ति देता है वो मंगल देता है वैसे ही बुध वाणी का कारक है वाणी आपकी कैसी है वाणी में कोई दिक्कत नहीं है कई बार आपने देखा होगा कि कोई बोल बोलते बोलते हकलाता है तो वो बुध के कारण होता है उसकी वाणी और वाणी के स्वाद में त्वचा भी बुध के अंदर में आती है जो अपनी चमड़ी है त्वचा का भाग है वो भी उसके अंदर आती है और गुरु ज्ञान का कारक है परम सुख का कारक है शुक्र कामदेव वासना वीर्य का कारक है और शनि हमारे दुख का कारण है ठीक है और साथ में सूर्य जो है आत्मा तो कारक है लेकिन शरीर में उनका हड्डियों पे उसका प्रभुत्व रहता है जैसे सूर्य वीक होता है हड्डियां निर्बल होती है कैल्शियम कम हो जाता है चंद्र हमारे शरीर में खून मतलब हमारे लहू का ऊपर उसका अधिपतित्व रहता है मंगल भी वहीं पे रहता है लहू पे ही उसका अधिपतित्व रहता है, बूट को बोला थी, के स्वाद में त्वचा चमड़ी उसके ऊपर उसका प्रभुत्व रहता है गुरु ज्ञान ज्ञान परम सुख के साथ में उसका पेट जो होता हमारा पेट जो जिसका गुरु बलि है वो गोलमटोल ही होगा ये बोला जाएगा जिसका गुरु बलि होगा उसका गोलमटोली होगा तो ये गुरु के कारण होता है जिसकी कुंडली में प्रथम स्थान में चौथे स्थान में सातवें स्थान में नवे स्थान में और बारहवें स्थान में गुरु रहता है वो गोलमटोली होगा कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो उसको गोल मटोली होना है ठीक है वैसे ही गुरु पेट पे अधिपतित्व रखता है शुक्र हमारे काम वासना का कारक है वो वीर्य पे उसका अधिपतित्व रहता है और शनि हमारे शरीर में स्नायु है उस पे और नशे है उसके ऊपर उसका अधिपतित्व रहता है जी जी तो ये था ग्रहों का प्रधान मंडल और गुरुजी नेक्स्ट हम क्या सिखाएंगे वो भी हम आ, हमारे दर्शकों को बता दे लेकिन उससे पहले आ, मैं जानना चाहती हूँ कि ग्रह नक्षत्रों जो है उसमें बल कैसे आ, कहा जाता है मतलब कैसे वो बल करते हैं ऐसा कुछ मैंने सुना है कई दर्शकों ने भी मुझे प्रश्न किया है कि हम लोग जो भी हमें बताते हैं कि भी आपको ये नंग पहनना है ये आपको आपका ये आपको नड़ रहा है तो आप ये नंग पहरिए तो इसका और इसके साथ इसका क्या रिलेशन है क्या ग्रह पहनना जरूरी है या नहीं है वैसे कुंडली देखने का एक अलग तरीका है ये एक बेसिक है अभी तो ग्रहों के बारे में और भी काफी कुछ बताना है अभी मंडल और शरीर पे उनका ये है फिर ग्रह का कौन सी दिशा में प्रभाव रहता है जैसे सूर्य है वो पूर्व दिशा का अधिपतित्व बताया गया है चंद्र को वायव्य दिशा का अधिपतित्व बताया गया है मंगल को दक्षिण दिशा गया दिया गया है बुध को उत्तर दिशा में अधिपतित्व दिया गया है गुरु को ईशान कोण जहाँ पे मालिक का वास है उसका अधिपतित्व दिया गया है शुक्र शुक्र को अग्नि स्थान का अधिपतित्व दिया गया है शनि को पश्चिम दिशा दिया गया है और राहु है ना उसको नैरुत्य दिशा में बिठाया गया ठीक है ऐसे तो काफी कुछ है जो आएगा लेकिन जो आप बोले हैं ग्रह को बलवान बनाना उससे पहले कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह योग का रख है जो आपको शुभ फल देगा वो आपको तय करना पड़ेगा उसके बाद में उसको बलि बनाना है और कौन सा फल ग्रह आपको अशुभ फल देगा ये आपको तय करना है आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया इसके लिए हम एक होमवर्क सबको देंगे जो जो लोग ये देख रहे हैं उसका एक होमवर्क आज दे रहे हैं कि पांच नियम है जो पांच नियम के आधार पे पूरी एस्ट्रोलॉजी चलती है ये समझ लो ये बेसिक तो आपको सीखना ही है लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी करना है फल कथन करना है उसके लिए पांच नियम हमारे पाराशर ऋषि ने दिए गए हैं वो पांच नियम आप लिख लीजिए जैसे कुंडली में एक चार सात और दस ये स्थान केंद्र स्थान माना गया है एक चार सात दस ये केंद्र स्थान माना गया है केंद्र स्थान का मालिक अगर शुभ ग्रह है से सुनिए केंद्रस्थान में बैठा ग्रह नहीं देखना है केंद्रस्थान का मालिक जो है अगर वो शुभ ग्रह है तो वो अशुभ फल देगा और का मालिक ग्रह है वो शुभ फल देगा दूसरा नियम है त्रिकोण स्थान का मालिक जो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह उसका मालिक शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह वो शुभ ही फल देने वाला है तीसरा नियम है तीन छे और ग्यारह ये त्रिक स्थान उसको बोलते ये स्थान का मालिक हमेशा अशुभ ही फल लेता है ठीक है चौथा नियम है दूसरा स्थान और बारहवें स्थान का मालिक हमेशा सम रहता है ना शुभ और ना अशुभ रहता है और आठवें स्थान का मालिक हमेशा अशुभ फल लेता है लेकिन सूर्य और चंद्र को वहां पे बाध नहीं है जो आठवें स्थान का अशुभत्व है वो सूर्य और चंद्र को नहीं लगता है ये नियम के आधार पे आपको तय करना है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ फल देने वाला है कौन सा ग्रह अशुभ फल देने वाला है। दूसरी बात ये तय होने के बाद में जब आपकी कुंडली में आपका जन्म लग्न का मालिक या योग कारक ग्रह जो आपको शुभ फल देने वाला ग्रह अगर खराब है अगर निर्बल है तो आपके जीवन में दिक्कत आएगी शरीर में दिक्कत आएगी काम में रुकावट आएगी मान हानि होगा ये सब होता है वो दिखता ही है पूरे संसार में तो उसके बलि बनाने के काफी रस्ते हैं, जैसे उसकी साधना दी जाती है मंत्र साधना है दूसरा शिव मंदिर में जो या फिर गौ माता को जो उसका हम उपाय दिखाते हैं उनका दान धर्म का उपाय है ये किया जाता है और सबसे असरकारक और सबसे बढ़िया उपाय है उनको वो रत्न पहनना है वो रत्न जो उनके लिए योग कारक ग्रह है उनके रत्न पहनना है लेकिन वो रत्न आपको कैसे तय करना है वो उसकी भी एक आगवी पद्धति है हर एक चीज में आपको अगर फल कथन करना है अगर रिजल्ट चाहिए तो एक परफेक्शन से काम कीजिए क्योंकि अगर परफेक्शन नहीं रहेगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा उसमें एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर पाएगा ये समझ लीजिए तो आपकी कुंडली के जो ग्रह है जो नक्षत्र है जिसका अंश है कौन सी दिशा में पड़ा है कौन से अंश में किसकी दशा है किसकी अंतर है वो देखने के बाद में यह तय किया जाएगा कि आपको कितने रत्ती का स्टोन पहनना है कौन से कलर का कौन से ट्रांसपेरेंसी से ये, ये सब आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र ग्रह का असा अंश कड़ा विकड़ा ये सब देख के दशा दसा, ये सब देख के ये तय किया जाता है कि कौन सा ग्रह आपको सूट होता है जैसे आपके कपड़े है वो आपकी बेटी को पहनाओ तो फिट नहीं होंगे क्योंकि हर एक का माप अलग रहता है एक का फिटिंग अलग रहता है वैसे ही हरेक का ग्रह नक्षत्र के अनुसार हरेक का स्टोन अलग रहेगा हरेक का कलर अलग रहेगा जैसे बुध का पन्ना है जैसे मिथुन लगने वाले को बुध का पन्ना पहना रही है लेकिन वो पन्ना कितने कैरेट का रहेगा कौन सी क्वालिटी का रहेगा कौन से अंश पे तो कौन सा ट्रांसपेरेंसी का रहेगा वो हर एक चीज एक है एक माइनर माइनर चीज है तब भी वो आपको रिजल्ट देगा वरना नहीं देगा ये पक्की बात है आ, मतलब किसी ने भी कह दिया मुझे काफ़ी सारे लोगों ने गुरुजी ये प्रश्न किया था इसलिए मैंने ये आपको ये आप सिखा रहे तो मैंने इसमें छेड़ा कि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि आ, हमें कौन सा नंग मतलब जो ग्रह मतलब नंग पहनना चाहिए रत्न पहनना चाहिए वो सही जानकारी हमें नहीं मिल रही है तो आपकी तरफ से अगर सही जानकारी मिल रही है तो हमें ज़रूर बताइएगा तो गुरुजी मेरे ख्याल से ऐसा करते हम नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड रहेगा इसमें सिर्फ आपको कौन सा नंग कब पहनना है मतलब रत्न कब पहनना है आपकी राशि को कौन सा रत्न शूट होता है और आप पहन के पहनते हो तो आपको क्या फ़ायदा रहेगा वो हम अगर नेक्स्ट एपिसोड में सिर्फ नंग के बारे में बताएंगे रत्न के बारे में बताएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए हैं मुझे तो ये स्पेशल एपिसोड जैसे आज एस्ट्रोलॉजी का रहा है अभी तक एस्ट्रोलॉजी में गुरु जी ने काफ़ी कुछ सिखाया लेकिन अभी हर एक एपिसोड में एवरी सेटरडे कुछ ना कुछ गुरुजी लास्ट पांच मिनट में या सात मिनट में सिखाएंगे तो अभी तक जो सीखा है आपने वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट हम जब सीखेंगे और कुछ तो वो भी आप पूरा सीखेंगे लेकिन ये एपिसोड चलेगा जब तक एस्ट्रोलॉजी पूरी आप सीख नहीं लेते हो तब तक हम एपिसोड चलाएंगे और गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं तो हम पहले सुनते हैं उनको आप लोगों ने वो पांच नियम लिख दिए जिससे पूरी एस्ट्रोलॉजी हम चलाते हैं ठीक है संसार में एस्ट्रोलॉजी चलती है उसके पांच नियम आपको बताए गए हैं वो पांच नियम के आधार पे हर एक कुंडली को रख के मेष लग्न वृषभ लग्न से लेके एक मीन लग्न तक की हर एक कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक होता है कौन सा ग्रह योग कारक नहीं होता अशुभ का है ये आपका आज का होमवर्क है होमवर्क आपको मीडिया चैनल के जो नंबर है उसके ऊपर पासवन करना है ठीक है ये सब चेक किया जाएगा कौन सही है कौन गलत है अगर गलती होती है तो उसकी कोई चिंता मत कीजिए वो हम सुधार देंगे कहाँ पे गलती है कैसे गलती हुई है उसको कैसे सुधारना क्या कैसे उनको ठीक करना है, वो हम सब आपके साथ में बैठे लेकिन आप जो काम कर रहे हो उसमें परफेक्ट बनो परफेक्शन लाओ तो पांच नियम के आधार पे बारह जन्म लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक होता है कौन सा ग्रह अशुभ फल लेगा ये आपको ये आज का होमवर्क है आगे के एपिसोड में इन्होंने बोल ही दिया तो स्टोन पे तो बताना ही पड़ेगा कौन सी जन्म लग्न में कौन सा स्टोन पहना सकते हैं और क्यों पहना सकते हैं ये बताना है और थोड़ा ग्रहों के आधार आधीन थोड़ा सा बाकी रह गया है वो भी अगली एपिसोड में हम ले लेंगे तो ये जो हमारा स्पेशल एपिसोड आज था एस्ट्रोलॉजी सिखाने का भी तक जो हमने एपिसोड किए हैं उसमें जो सिखाया था उसका आज पूरा हमने इसमें सिखाया है ये हमारा ग्यारहवा एपिसोड था और बारहवा जो एपिसोड रहेगा वो हम नंग और रत्ना के बारे में स्पेशल एपिसोड वो रहेगा कि जिनको भी उसके बारे में पूछना है तो ज़रूर हमें नाम आपका अगर नाम नहीं भेजते हैं तो सिर्फ आपका बर्थ डेट आपका बर्थ समय एंड बर्थ प्लेस हमें जरूर भेजेगा उसके बिना हम कुछ नहीं बता सकते आपको और हमारा जो नंबर है चैनल का वो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए ताकि आपको जो भी डिटेल्स भेजना है आपको उन वही जगह पे भेजना है और होमवर्क जो गुरुजी ने दिया है वो भी आपको उस पे ही भेजना है तो मेरी नंबर आपको बोल देती हूँ नाइन डबल टू सेवन सिक्स फोर फाइव सेवन डबल जीरो मैं अगेन रिपीट करती हूँ नाइन डबल टू सेवन सिक्स फोर फाइव सेवन डबल जीरो और ये पूरा एपिसोड अगर आप वापस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में बेल आइकन क्लिक कीजिए और वहीं पे आपको ये एपिसोड पूरा वापस देखने को भी मिलेगा और वहीं पे भी एपिसोड के साथ नंबर हमारा नोट किया हुआ है तो अगर आप भूल भी जाते हैं तो वहीं से आपको नंबर मिल सकता है और नेक्स्ट एपिसोड पूरा रहेगा ये नंग के बारे में हम बताएंगे आपको कौन सा शूट करता है कौन सा शूट नहीं करता है अगर आपने पहना भी है अगर फ़ायदा नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है तो वो भी हम दिखाएंगे गुरु जी ठीक है ना ये और उसके बाद जिन लोगों ने हमें अपने नाम और वो सब डिटेल्स भेजा है जो कुंडली के लिए जन्माक्षर के लिए देखने के लिए और साथ में प्रश्न भी भेजे हैं तो वो हम करेंगे तेरव एपिसोड में तो जिन लोगों को अभी भी भेजना है आपके बारे में अगर आपको जानना है तो पूरा जो जन्माक्षर कुंडली जो प्रिडिक्शन की जाएगी वो तेरहवें एपिसोड में किए जाएगी मतलब एक एक सैटरडे को छोड़ के उसके बाद का जो होगा उसमें की जाएगी तो गुरुजी अब हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे आ जी तो गुरु जी ने काफी कुछ बोल दिया है तो और मैंने भी काफी कुछ बोल दिया है तो नेक्स्ट एपिसोड में सिर्फ रत्न मतलब कि नंग के बारे में आपको क्या कौन सा पहनना है वो हम सिर्फ बताएंगे पर उसके पहले फ्राइडे तक आप आपका जो भी पूछना चाहते हैं वो हमें भेज दीजिएगा और लाइव में हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि आगे के ही इतने सारे लोग होते हैं तो पहले से अपना डिटेल्स आप भेज दीजिए तो जरूर से हम नेक्स्ट सैटरडे को पूरा आपको बताएंगे और गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा एपिसोड भी लंबा चला है और काफ़ी आपने एस्ट्रोलॉजी सिखाई है और एस्ट्रोलॉजी जो सीखे हैं लोग और उनको भी कुछ पूछना है तो ज़रूर हमें हमारे फ़ोन नंबर जो हमने व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप आपका नंबर भेजिए कि आप बताइएगा कि गुरु जी से बात करनी है तो हम ज़रूर करवा देंगे तो मिलते हैं वापस एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार और जय गणेश गुरु जी जी